इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोट को अमान्य करने के लिए निशान लगाए गए थे। आपको बता दें कि 8 बैलेट पेपर पर अनिल मसीह ने निशान लगाए थे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पहले ही इस बात के लिए फटकार लगाई जा चुकी है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार अब अगले मेयर होंगे। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को विजयी घोषित किया गया है। इस बीच कोर्ट ने टिप्पणी की है कि वोट को अमान्य करने के लिए निशान लगाए गए थे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से अनिल मसीह ने 8 बैलेट पेपर्स पर इसीलिए निशान लगाए थे कि उन्हें अमान्य करार दिया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोट को अमान्य करने के लिए निशान लगाए गए थे। आपको बता दें कि 8 बैलेट पेपर पर अनिल मसीह ने निशान लगाए थे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पहले ही इस बात के लिए फटकार लगाई जा चुकी है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार अब अगले मेयर होंगे। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को विजयी घोषित किया गया है। इस बीच कोर्ट ने टिप्पणी की है कि वोट को अमान्य करने के लिए निशान लगाए गए थे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से अनिल मसीह ने 8 बैलेट पेपर्स पर इसीलिए निशान लगाए थे कि उन्हें अमान्य करार दिया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोट को अमान्य करने के लिए निशान लगाए गए थे। आपको बता दें कि 8 बैलेट पेपर पर अनिल मसीह ने निशान लगाए थे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पहले ही इस बात के लिए फटकार लगाई जा चुकी है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार अब अगले मेयर होंगे। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को विजयी घोषित किया गया है। इस बीच कोर्ट ने टिप्पणी की है कि वोट को अमान्य करने के लिए निशान लगाए गए थे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से अनिल मसीह ने 8 बैलेट पेपर्स पर इसीलिए निशान लगाए थे कि उन्हें अमान्य करार दिया जाए।